ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक हम लास्ट कुछ क्लासेज में स्टडी कर रहे हैं हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर होगा एक क्वेश्चन जरूर आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आज आप उसको प्रैक्टिस करके तैयार कर लेते हैं तो आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मार्क्स जो आपके हैं वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो मार्क्स है वो मेरे कंफर्म हो गए हैं, और काफी आसान है, एक ही टाइप से है सारे क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूँ 5 क्वेश्चन भी आप ईमानदारी से पूरा मन लगाकर समझते हुए सोल्व कर लेते हैं तो आप बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत अच्छी संभावना रखते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद एक आध क्वेश्चन तो हर एक्सरसाइज में ऐसा हो सकता है जो बच्चों के लिए कई बार डिफिकल्टीज लेकर आता है, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कोई एक क्वेश्चन हमने उठाया है यहाँ पर, आप भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको दिया गया है के एक्स +1 और यह है कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन है कॉस एक्स, और यह कंडीशन क्या है एक्स लेस और इक्वल टू पाई, और यह कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन टू पाई, और आपको क्या कहा गया है एक्स इक्वल टू पाई पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर संतत फलन है। आपको जांचना नहीं है, ये आपको बता रहा है संतत है, तब के एक अज्ञात राशि है, इस के का मान आपको ज्ञात करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। मतलब दो प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, आपको एक पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसका आरेख टूटता है या नहीं टूटता, ये आपको वहां पर मालूम करना होता है और बताना होता है कि हाँ ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि वो कंटिन्यूटी को वो खुद बता देता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, मतलब उसके लिए जो 3 कंडीशंस है वो पूरी हो रही है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये इक्वल है, वो बोल रहा है, आपको जांचने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल है। तो बताइए अज्ञात राशि का मान क्या होगा, तो अज्ञात राशि वो के हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, वो कुछ भी अज्ञात राशि का साइन आपके सामने रख सकता है। तो ये कहा ये एफ एक्स है जो दो प्रकार से परिभाषित है, एक्स का जब रेंज ये होगा तो एफ एक्स की वैल्यू ये ले लेना, और एक्स जब पाई से अधिक लेते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू ये ले लेना, ऐसे एफ एक्स के दो फंक्शन है यहाँ पर, और एक्स इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समीकरण बनाना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स इस बात का, जब भी किसी अज्ञात राशि का मान आपसे पूछा जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि आपको कोई एक शर्त यूज करके जो उस क्वेश्चन में मौजूद है उस मौजूद शर्त को पहचान के यूज करते हुए उस अज्ञात राशि के पदों में समीकरण बनाना पड़ता है। जैसे ही समीकरण बन जाएगा आप उस समीकरण को सॉल्व करते हुए अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हर एक लेसन हर एक एक्सरसाइज इनमें अप्लाई होता है, यहां भी हो रहा है। तो ठीक है, के का मान निकालना है, के पदों में समीकरण बनाना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं कौन कौन किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं, नंबर 1 पे ये निकाल लेता हूं, एफ पाई फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, पाई के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्टली मैं एफ पाई की वैल्यू निकालूंगा, और एफ पाई के लिए फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स इक्वल टू ये भी है और ये भी है, देखकर बताइए दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, एफ पाई के लिए जब एक्स का मान पाई लेता है, वाला।
तो फर्स्ट यहां देख लो ना, एक्स इज इक्वल टू पाई हो तो ये लेंगे आप, तो ये लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ये है। अगर मैं यहाँ पाई लिखूंगा तो यहाँ भी मुझे पाई लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा के पाई प्लस वन, ठीक है। यह आपका डायरेक्ट फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब सेकेंड नंबर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए आप, लिमिट एस टेंस टू जीरो। आपको फिर मैं याद दिला देता हूं, आपको ध्यान रहे नहीं रहे, ये पाई है और पाई के लेफ्ट साइड का पॉइंट लेना पड़ता है पाई माइनस एच, और ये पाई के राइट साइड का पाई प्लस एच। पाई पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, ये रही पाई पर। अब हम निकालेंगे पाई माइनस एच के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो कहलाता है एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर निकालेंगे हम पाई प्लस एच पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये तीनों इक्वल है, ये देखना नहीं है, ये बोल रहा है कंटिन्यूस है तो इक्वल है, ओके पहले निकाल ले उसके बाद इक्वल कर देंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ कौन सा पॉइंट रखेंगे हम, पाई माइनस एच, पाई माइनस एच, और जहां से एच आ जाता है वहीं से हम लिमिट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही एच हट जाता है वहीं से हम लिमिट लिखना बंद कर देते हैं, बस यही अंतर, ठीक है। एच यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है। एच के बारे में क्या बोला गया, एच टेंस टू जीरो, एच अपना मान जीरो होना चाहता है, जीरो करना चाहता है, लगभग जीरो के बराबर है, ओके। अब आप देखिए कौन सा फंक्शन यूज लेंगे इसमें, ये एफ, एफ के पास आ जाओ, पाई माइनस एच कौन से रेंज में आता है, फर्स्ट रेंज में या सेकंड रेंज में, देखिए बताओ। ये एक्स की वैल्यू होती है हमेशा पाई माइनस एच, इस रेंज में है तो ये फंक्शन लेना, इस रेंज में है तो इसमें फंक्शन लेना, बताओ। फर्स्ट वाले, फर्स्ट कितना टाइम लगा देते हो तुम लोग, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एच का मतलब हो गया पाई में से एक बहुत छोटी सी वैल्यू ही सही, लेकिन हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ना एक्स का मान वो पाई से लेस देन हो जाएगा, ओके। तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन आएगा के, और जहां एक्स है वहां रखना पाई माइनस एच, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू होती है, ब्रैकेट में जो भी होता है ना एक्स की वैल्यू है, तो ये जाएगा पाई माइनस एच प्लस वन, हो गया ऐसे। अब आपको एच की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, ये एच की वैल्यू पुट कर दो के पाई माइनस जीरो प्लस वन। अब देखो इसमें कहीं भी एच नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अब आप लिमिट लिखना बंद कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन हो गया। हाँ साहब चेक सिंह करना क्या, लो। हाँ देखिए स्टूडेंट साहब, पेन लो पेन, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये कौन हो गया था आपका डायरेक्ट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये इसके इक्वल होगा, तो इक्वल तो है देखो के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन, लेकिन इन दोनों को इक्वल करने से आपको के पदों में कोई समीकरण नहीं मिलेगा। आप रख के देख लीजिए के पाई प्लस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन, तो क्या हो जाएगा वन इक्वल टू वन, जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसे तो के पदों में समीकरण नहीं बना, बना लेकिन के खुद को अपने आप को कैंसिल कर गया, और जो कैंसिल ही कर गया तो फिर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई मदद नहीं मिली है, तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वहां से मदद मिलेगी, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला पाई के राइट साइड का पॉइंट रखो, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट साइड का पॉइंट रखो, ऐसे आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखो। अभी एक्स की वैल्यू है पाई प्लस एच, कौन से रेंज में आ रहा है, पाई प्लस एच सेकंड रेंज में है, पाई प्लस एच पाई के साथ प्लस किया गया है, तो एक्स का मान पाई से अधिक हो जाएगा ना, ये एक्स की वैल्यू है, तो यह आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई प्लस एच, जहां एक्स होता है ना वहां ये रख देते हम, आप एच की वैल्यू पुट कर दीजिए
कॉस पाई प्लस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस पाई, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वन। कॉस पाई की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, माइनस वन। इसका कारण बता देता हूं आपको, देखो आप यहां से कॉस पाई को हम ले सकते हैं कॉस पाई प्लस जीरो, इसका आप रोटेशन लो, ये तो हो गया पाई और प्लस जीरो, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन होता है माइनस, फंक्शन चेंज होगा ही नहीं इस लाइन के साथ, तो कॉस जीरो और माइनस कॉस जीरो होता है वन, ऐसे तो कॉस जो पाई होता है वो माइनस वन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये तीनों के तीनों आपके पास है, पाई पर फंक्शन की वैल्यू, पाई के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और पाई के लिए राइट हैंड लिमिट, तीनों को बराबर कर देंगे हम, क्या बोलेंगे यहां पर एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू पाई पर संतत फलन है, हमें बताया गया है, ये तो हमें बताया गया है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग एफ पाई इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, एफ पाई की वैल्यू बताओ के पाई प्लस वन, एल एच एल की वैल्यू के पाई प्लस वन, आर एच एल की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों को लेते हैं तो के के को कैंसिल करके के का रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, या तो फर्स्ट एंड लास्ट को ले लीजिए या सेकंड लास्ट को ले लीजिए, ठीक है ना, वहां से के का रिजल्ट आएगा, तो क्या लेते हैं हम लोग के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, कहीं से भी ले सकते हो ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बताइए आप क्या हो जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है अब आपको, के पाई इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा और देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस टू अपॉन पाई, ये के की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है। यदि के की वैल्यू माइनस टू अपॉन पाई लेंगे तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है एक्स इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस होगा, और यदि के की वैल्यू इसके अलावा ले लेंगे फिर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है, के की वैल्यू माइनस टू अपॉन पाई लेनी पड़ेगी तब ही ये तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल। तो ठीक है, हमने निकाल लिया ऐसे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपको कंटिन्यूस है या नहीं ये पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है तो आप तो यहां पर जो अननोन है जो के है यहां पर उसका मान ज्ञात कीजिए, तो ठीक है आप क्या करेंगे ऐसा कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आप अपना टाइम बता सकते हैं, कैसे आपने तीनों कैलकुलेटर करी, एफ पाई की वैल्यू निकाली, एल एच एन निकाला, आर एच एन निकाला, अज्ञात राशि क्या था एक, अज्ञात राशि तो एक ही है यहां पर, समीकरण कितने बनाने हैं आपको एक, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो इन तीनों में से कोई दो निकाल कर भी अपना काम कर सकते हैं, कोई दो से भी काम हो जाता। ठीक है, अब थोड़ा सा समझदारी की आवश्यकता है, यही से देख लो, एफ पाई पे वैल्यू निकाल रहे के पाई प्लस वन, एल एच एल भी क्या रहा है के पाई प्लस वन, दोनों सेम हो गए, अगर इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो के पाई प्लस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन, वन से वन गया के पाई इज इक्वल टू के पाई, पाई से पाई गया के से के भी गया, वन इक्वल टू वन, सत्य तो है ये कर रहा है, हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैं आपका विरोध नहीं करता, लेकिन विरोध नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हमें के का मान बताना था तब जाके हमें स्कोर मिलेगा, के तो है बचा ही नहीं इसके अंदर, तो गलती हम खुद कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, एफ पाई के लिए, पाई के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं आप, ये हो रहा नहीं हो रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यूज हो रहा है ये, जब आप दोनों में सेम फंक्शन यूज हो रहा है तो फिर वो सेम रिजल्ट भी आएगा, और सेम रिजल्ट आएगा ना तो वहां से के पदों में समीकरण के प्राप्त होने की संभावना न के बराबर हो जाती है, देखिए कैंसिल हो गया से, तो आप ऐसे दो रिजल्ट्स कैलकुलेट करें कि एक में ये फंक्शन यूज हो तो दूसरे में ये यूज हो, एफ वाई ये यूज कर हो रहा है ये ले लो, आर एच एल ये यूज हो रहा है ये ले लो, बस इन दोनों को इक्वल कर लो, एल एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको,
एफ आई कितना तेजी से निकल गया, एल एच एच का ये टाइम बता लेंगे हम अपना, क्योंकि वो हमारे से ये थोड़ी पूछ रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये तो पूछ नहीं रहा। तो तीनों को निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें तो के में समीकरण चाहिए, तो कोई दो को इक्वल करके भी हम के पदों में समीकरण ले आएंगे। तो एफ पाई निकाल लो, आर एच एन निकाल लो, एफ पाई एल एच एल क्यों छोड़ा, क्योंकि एफ पाई में ये फंक्शन यूज हो गया, एल एच एल में भी ये यूज हो रहा है, तो फिर फायदा क्या हो रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, फायदा नहीं हुआ। तो एफ पाई में ये यूज हो गया, आर एच एल में ये यूज हो गया, बस यहां से काम बन जाएगा। ऐसे करो एफ पाई छोड़ दो, एल एच एन निकालो ये यूज हो गया, आर एच एन निकालो ये यूज हो गया, दोनों को इक्वल करके आंसर करो। देखो ये रहा एल एच एल, ये रहा आर एच एल, ये रहा, दोनों को यूज कर लो, या इन दोनों को यूज कर लो फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये थोड़ा सा आप समझदारी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना टाइम बचा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। चलो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे जहां जहां आपसे अज्ञात राशि पूछे गए हैं कि अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कीजिए, तो फिर ऐसा करें क्या? हाँ, एक बात जरूर है, अगर दो अज्ञात राशियां आपसे पूछी जाती है, दो अज्ञात राशियां, तो वहां पर फिर हमें दो समीकरण बनाने होते हैं, एक समीकरण से वहां पर आप आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, जिसके पास दो अज्ञात राशियां हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होगा और दो अज्ञात राशियों का मान आपसे वो पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन जस्ट सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, फिर हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, फिर हो जाएगा 21, और ये कब होगा, एक्स लेस और इक्वल टू 2, सेकेंड एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, एंड नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। चलो यहां से लिखता हूं मैं, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 10। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और क्या कह रहा है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है, ये संतत फलन है, तब आपको बताना है ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ये बताना है। दो अज्ञात राशियां आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ये एक तो ये परेशान कर रहा है मुझे, फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप यहां से, अब यहां उसने पॉइंट नहीं दिए, ये समझने वाली बात है कि कौन से बिंदु पर कंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब वो सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, यू समझ लीजिए। उसे कह दिया कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई पॉइंट की वो बात ही नहीं कर रहा है, तो वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है जो रियल नंबर है, जो इस फंक्शन का डोमेन है, यू समझ लीजिए, इस फंक्शन का जो डोमेन प्रांत होता है, और प्रांत के पास जितने भी बिंदु है, पॉइंट्स है, उन सब पे कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन ऐसे हर किसी पॉइंट को नहीं लेंगे, हमें फायदा नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस हो जाएगा वो, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए एंड बी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको ए और बी के पदों में दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, तो फिर आप कौन से बिंदु ले, आपकी चॉइस के नहीं, चॉइस में तो तुम फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, समीकरण नहीं बनेंगे, और समीकरण नहीं बनेंगे तो मान कहां से निकालोगे, तो फिर क्या करें, बिंदु वो लो जो आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, एक्स के जो मान दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 10, 2 एंड 10 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो आप 2 के लिए 2 को यूज ले सकते हैं और 10 को यूज ले सकते हैं, 2 एंड 10 इनमें दोनों को यूज ले सकता है, किसी एक को यूज ले सकता है, लेकिन हमें दो समीकरण बनाने हैं तो दोनों को यूज लेना पड़ेगा। अब देखो संतत फलन है, तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन क्या है, संतत है, x इक्वल टू 10 पर भी फंक्शन क्या है, संतत है, होगा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स संतत फलन है, ये बताया गया हम लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स
एक्स इज इक्वल टू टू एंड टेन पर संतत। इन दो पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगा ये, जब सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है तो इन पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगा, इन पे क्यों नहीं होगा, टू पर भी होगा टेन पर भी होगा, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, फाइव सेवन नाइन माइनस वन माइनस टू वन बाई टू, जो रियल नंबर है हर एक रियल नंबर के कंटिन्यूस है ये, तो फिर इन पर भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये भी रियल नंबर है। अब एक एक करके, पहले टू पर कंटिन्यूस है उसके बाद टेन पे कंटिन्यूस है, पहले मैं टू पर करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहला लेते हम लोग बिंदु x इज इक्वल टू टू के लिए, क्यों ओनली टू के लिए काम करेंगे, फिर टेन के लिए काम कर लेंगे, ठीक है, टू पर काम करो आप डायरेक्टली, f2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, f2, f2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से x इक्वल टू टू, तो ये फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव, ये लो भाई आपको एक रिजल्ट मिल गया, x इक्वल टू टू लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट फाइव मिल गई है, आपको टू भी पुट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, एफ एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स है ही नहीं तो फाइव भी हो गया, तो आपको एक रिजल्ट तो मिल गया। अब क्या करेंगे आप, टू के लिए या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसको यूं समझ लो टू के लिए, ये हो गया टू, ये हो गया टू माइनस एच और ये हो गया टू प्लस एच, अब होशियारी करनी है अपने को, इन दोनों में से एक जरूर निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट में से और राइट में से एक जरूर निकालना पड़ेगा आपको, तो देखते हैं टू माइनस एच में क्या होता है, टू माइनस एच अगर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो टू माइनस एच में फंक्शन कौन सा आएगा, फाइव आएगा नहीं आएगा, टू माइनस एच क्या होता है लेस देन टू होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू ये आएगा, और यहां पर टू के लिए भी यही आ रहा था तो फायदा नहीं होगा आपको, ए और बी में समीकरण नहीं बनेगा, निकाल के देखना गलती करना, ठीक है, आपका टाइम का लॉस होगा, आंसर फिर भी दे देंगे आप, आंसर तो दे देंगे मुझे पता है अगर आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो, लेकिन आपके टाइम का लॉस होगा वहां पर, क्यों, जब फायदा ही नहीं हुआ, ए और बी में समीकरण नहीं बना तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल की जूती कहां पड़ रही है, तो फिर क्या करें, टू के लिए भी पहला फंक्शन ही यूज हो रहा है ये वाला फाइव, टू माइनस एच के लिए भी यही फंक्शन यूज ले रहा है, तो फिर ए और बी में समीकरण बनेगा ही नहीं, फंक्शन बदलना चाहिए, कार्य वो करो कि फंक्शन बदल कर मिले, तो फंक्शन चलो यहां से फायदा नहीं हो तो ये ले लो टू प्लस एच, आर एच एल निकालेंगे इसके लिए, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो फाइव प्लस जीरो, सॉरी फाइव टू है, टू पे चेक करें ना, टू पर टू प्लस जीरो, आर एच एल लिखो या टू प्लस जीरो की बात है, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिमिट एस टेंस टू जीरो F, राइट हैंड लिमिट में आप ये वाला पॉइंट रखेंगे, ये टू है नहीं, टू प्लस एच रखेंगे, टू प्लस एच, कौन सा फंक्शन यूज होगा, चलो आगे नहीं जाते हम लोग यही रख देते हैं, बताओ कौन सा फंक्शन यूज होगा, टू प्लस एच के लिए फंक्शन चूज करो ऊपर से, टू प्लस एच फर्स्ट सेकंड थर्ड, टू प्लस एच फंक्शन को चूज करो, टू प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है, टू प्लस एच, एक्स की वैल्यू टू प्लस एच, इसमें आएगी इसमें आएगा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड सेकंड, कितना टाइम लगा देते हो, सेकंड फंक्शन आएगा भाई सेकंड, ये ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह रख देना टू प्लस एच, तो जाएगा ये ए टू प्लस एच प्लस बी, चलो एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो गए तो टू ए प्लस बी हो जाएगा, टू ए प्लस बी, ओके, टू पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला ही नहीं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइव ही आ रहा है, ये तो फाइव तो ऑलरेडी आ गया, फिर फायदा क्या हो, आर एच एल निकाल लिया, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहां, एक्स इक्वल टू टू पर एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, संतत है ना, इसलिए बताओ क्या होगा, एफ टू की वैल्यू आर एच एल के इक्वल होगी और एल एच एल की भी होगी, ये तीनों इक्वल होंगे, लेकिन चलो एफ टू की वैल्यू कितनी है भाई यहां पर, फाइव
RHL कितना है 2a प्लस बी, और ये हमने निकाला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो पढ़े रहने दो, आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपको तो a और b में एक समीकरण चाहिए था जो मिल गया, ये एक समीकरण बन गया रहे a एंड b में x इक्वल टू टू की मदद से, ठीक है, एक पॉइंट की मदद से एक ही समीकरण बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है, बन गया। अब हमें क्या करना है, यही कार्य करना है टेन के लिए, टेन पर भी तो आप कंटिन्यूस है, ऐसे होने के लिए तो नाइन पर भी है, इलेवन पर भी है, माइनस वन पर भी है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन आप पॉइंट वही लेना जो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, टू एंड टेन देख रहे, टू एंड टेन को ही लेना, अदरवाइज ए बी का मान नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। चलो हम लोग लिख रहे हैं अगला, कौन सा लिखेंगे, अगला बिंदु हो गया बिंदु x इज इक्वल टू टेन के लिए, टेन पर हम कंटिन्यूटी के लिए करेंगे ना, ओके। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग f टेन, डायरेक्ट टेन पर फंक्शन की वैल्यू f टेन, जैसे ये हटा देते हैं हम लोग, अब हम हमारा पॉइंट क्या हो गया टेन, लेफ्ट साइड में टेन माइनस एच, राइट साइड में टेन प्लस एच, अच्छा ध्यान रखा करो रखने की जरूरत नहीं है, टेन टेन माइनस एच टेन प्लस एच तीनों ही रखने होते हैं हमें, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू, इस पे फंक्शन की वैल्यू कहलाती है, और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाता है, जहां एच आ जाता है वो लिमिट हो जाता है, और जहां एच नहीं होता है वो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, ओके। एफ टेन, टेन के लिए कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चूज करो, एक्स इक्वल टू टेन, किसमें आ रहा है एक्स इक्वल टू टेन, यहां से देखो थर्ड में, थर्ड एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 21, ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ अगर मैं टेन लिखूंगा तो ये तो 21 ही रहेगा, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो गई 21। अब नेक्स्ट, अब मैं या तो एल एच एल निकालूंगा या आर एच एल निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, दोनों में से एक निकालूंगा मैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ए और बी में समीकरण बनना चाहिए, ऐसा नहीं है एल एच एल निकाला वो भी 21 आ गया, फिर 21 इज इक्वल टू 21, ओके करेक्ट है, सत्य है, वो समर्थन हो गया हमारा, लेकिन हमें ए बी में समीकरण चाहिए था, समर्थन का क्या करना है, स्कोर चाहिए, 21 इक्वल टू 21 से तो स्कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कोर मिलेगा ए बी का मान निकालने में, और ए बी का मान निकलेगा जब, कब निकलेगा, जब ए बी में समीकरण बनेंगे, एक तो बना के रख लिए, अब बना रहे, अब देखते हैं टेन माइनस एच, देखते हैं हम लोग एक बार टेन माइनस एच, टेन माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये आएगा टेन से लेस देन हो तो ये, अगर हम राइट हैंड साइड वाला टेन प्लस एच लेते तो टेन प्लस एच टेन से प्लस हो जाएगा ये, तो ये तो ऑलरेडी हमने ले लिया ना, अब इसमें आर एच एल नहीं निकालेंगे, आर एच एल की वैल्यू भी 21 ही आएगी, निकाल के देख लेना आप, आर एच एल क्या आएगा यहाँ पर 21, और ये 21 इक्वल टू 21, फायदा नहीं हो रहा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो उसके लिए बता रहा हूं मैं, और मूर्खों के लिए क्या है सुन लो वो भी, तीनों ही निकालना, टेन पर भी वैल्यू निकालना, टेन माइनस एच के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेना, तीनों को बराबर रख देना, फिर समीकरण बना लेना, ये मूर्खों के लिए हो गया, और जो समझदार है उनके लिए भी है कि हम यहाँ पर आर एच एल नहीं निकाल के एल एच एल निकालें, एल एच एल क्यों, क्योंकि टेन के लिए ये फंक्शन आया, आर एच एल के लिए भी यही आ जाएगा, फायदा नहीं होगा, फंक्शन बदलना चाहिए, एल एच एल में ये आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम ऐसे कर सकते हैं एफ टेन माइनस जीरो, अच्छा बोलते हैं इसको, ये साइन है ये साइन है, टेन माइनस जीरो का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू टेन पर ये लेफ्ट लिमिट का साइन हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ, ये वाला पॉइंट रखना है फंक्शन में, टेन माइनस एच ऐसे रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो, टेन माइनस एच के लिए फंक्शन ये रेंज आ रही है, एक्स लेस देन टेन, टेन माइनस है टेन में से एच को माइनस करेंगे तो लेस देन टेन हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं एक्स, जो ब्रेकेट में होता है वो पूरा एक्स होता है, ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो ये सेकंड फंक्शन आएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये सेकंड फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह यही रखो, ये रहा टेन माइनस एच प्लस बी, ओके एस की वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी। अब आपको
आर एच एन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर एच एन निकालोगे 21 आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम खराब कर रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 10 पर एफ एक्स संतत फलन है, इसलिए बताओ एफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ 10 की वैल्यू क्या है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है ये रहा 10 ए प्लस बी, ये हमने निकाला नहीं है तो छोड़ दो, राइट हैंड साइड नहीं निकाला तो हटाओ, निकाला तो रख लो, कोई फायदा होगा नहीं। तो ये आपका एक और समीकरण बन गया, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21 ए एंड बी में। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये x इक्वल टू 2 की हेल्प से हमने ए एंड बी में समीकरण लिखा, और ये x इक्वल टू 10 की वजह से। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 10th क्लास में आ गए हम लोग, क्लास टेंथ ठीक है। अब यहाँ भी किसी को इशू है तो वो समझ लीजिए कि आपने 10th क्लास में मेहनत नहीं कर रही है, उसका रिजल्ट है कि आज आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ए और बी में दो अज्ञात समीकरण है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सही नहीं लिखा, टेन ए माइनस कर देते हैं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 8 ए इज इक्वल टू माइनस 16, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2, ए की वैल्यू 2 हो गई है। अब ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए फर्स्ट में, 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, देन बी इज इक्वल टू 5 माइनस 4, फाइनली बी इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आया ए इज इक्वल टू 2 आ गया एंड बी इज इक्वल टू आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। तो हम ये कह रहे हैं ये जो फंक्शन एफ एक्स है जो आपके सामने है, ये फंक्शन हर एक बिंदु पे संतत है। जो कोई बिंदु का नाम नहीं लेता ना तो वो उसके प्रांत में कंटिन्यूस होता है, हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अच्छा क्वेश्चन भी कर लो, क्वेश्चन पूरा करो, ए बी का मान बताओ। तो ठीक है, ए बी में हमें कितने समीकरण लिखने पड़ेंगे, ए बी में हमें समीकरण लिखने 2, ठीक है। तो 2 समीकरण लिखने हैं तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, और वो 2 पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से लेंगे तो आप केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, आपका विरोध भी नहीं होगा, आप काम भी सही कर रहे हैं लेकिन आपको स्कोर मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल हार्ड वर्क चल रहा है और उसका रिजल्ट यहाँ 0 एक तरह से, मतलब एक दिशाहीन आपका कार्य हो रहा है जिससे कोई कुछ नहीं होने वाला, आप भी कुछ नहीं होने वाले, आपका टीचर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आप वो पॉइंट्स को चूज कीजिए जो इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं। एक तो 2 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो कह दो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, हाँ, उसका यूज करके समीकरण बनाओ। x इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूस है, हाँ, तो 10 का यूज करके एक समीकरण बनाओ, दोनों को सॉल्व कर लो। अगर 2 अज्ञात राशियां होती है तो 2 अज्ञात राशियों में 2 समीकरण बनाने होंगे, 2 पॉइंट चाहिए, और अगर एक अज्ञात राशि है तो एक समीकरण बनाना पड़ेगा, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, मतलब इसमें कंटिन्यूटी को चेक नहीं करना है, कंटिन्यूस फंक्शन तो है, बस उनको इक्वल करके हमें इक्वेशन यहाँ पर जनरेट करने होते हैं, उसके बाद में उनकी कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, कैसे भी करोगे जैसे, है ना, मतलब आप इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आज की स्थिति से, जितना हमने पढ़ लिया है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्यूशन आप नहीं दे सकते। आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, ठीक है, या तो आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, और रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं उसके बाद भी आप आंसर देने में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर आपकी प्रैक्टिस कम है, आपने केवल और केवल क्लास अटेंड करी है, आपने कभी भी उस क्लास को सीखने की कोशिश नहीं करी। जो प्रैक्टिस आपको चाहिए वो प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की डेली बेसिस पर, ठीक है। तो और हम लोग देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप भी बता सकते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, जहां पर वो कुछ भी नहीं बोलता, देखो भाई है ना, कुछ भी नहीं बोलता, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसे के द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये बताना आपको, आप एक कंटिन्यूस फंक्शन है हर एक पॉइंट पर। अब हर एक पॉइंट का मतलब समझते हैं, इसके प्रांत में, और इसका जो प्रांत होता है एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू आर है, और आर में आप जानते हैं आर जो है ना इसका प्रांत है, ठीक है, इसके पास इनफिनिट पॉइंट है और इनफिनिट पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 है ना, और यही नहीं 1/2, 3/4, 0.1, √2 हर एक पॉइंट ये रियल है सब, और इन सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है, ये आपको सिद्ध करना है। हम कहेंगे ऐसे कैसे करेंगे, एक पॉइंट पर जांचने के लिए आपको LHL, RHL उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल देखेंगे, फिर बोलेंगे ये कंटिन्यूस है। एक पॉइंट के लिए हमें 5 मिनट लग जाते हैं, तो इन्फिनिट पॉइंट्स के लिए तो आप जानते हो 5 × इन्फिनिट टाइम, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, है थोड़ा दिमाग लगाओ होगा। आप क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू वो पॉइंट जो है ना, ऐसे मान लीजिए 1, ये बेवकूफी हो जाएगी, ऐसे नहीं लेना आपको, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, x इज इक्वल टू a ले लीजिए आप, और बिलोंग्स टू r कह दीजिए आप, a आप r का प्रत्येक अवयव है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, आपका मतलब 1/2 सब कुछ है। अब a पर आप जांच कर दीजिए आप, तो ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे हम लोग, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली, एफ ए या a पुट कर दीजिए, फंक्शन एक ही है इसलिए हमेशा यही से निकलेगी, cos a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, cos a आ जाएगा ना इसकी वैल्यू, कि पॉजिटिव आएगा कुल मिला के, आ गया नंबर नेक्स्ट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये देख लो आप लोग, ये a पॉइंट है, लेफ्ट साइड में a माइनस है, राइट साइड में a प्लस है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताओ क्या पुट करेंगे आप इसके अंदर, a माइनस h रखेंगे आप, लिमिट एस टेंस टू जीरो।